दोस्तों आयुर्वेद अनुसार जो तीन दोष बताए गए हैं इनका सम अवस्था में रहना बहुत जरूरी है। अगर ये सम अवस्था में ना रहें तो हम रोगग्रस्त हो जाते हैं, और अगर यही दोष सम अवस्था में रहते हैं तो हम पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। आज का जो वीडियो का टॉपिक है ये पित्त दोष के लिए है। पित्त को संतुलित करने वाले 10 ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मैं आपको बताऊंगा जो नेचुरली आपकी अवेलेबिलिटी है उन चीज़ों की, आपके आसपास वो चीज़ें मिलती हैं और वो पित्त दोष को शांत करते हैं। साथ ही गर्मी के समय के अंदर पित्त दोष नेचुरली ही बढ़ने लगता है, तो गर्मी के समय पे इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 10 चीज़ें मैंने चुनी हैं ये 10 की 10 चीज़ें गर्मी के समय पे मिलती हैं, साथ ही बहुत आसानी से अवेलेबल हैं और बहुत सस्ती हैं, बहुत महंगी चीज़ें नहीं हैं। इनका आप उपयोग करेंगे तो इनसे आपका पित्त संतुलित होगा और पित्त को बैलेंस करने में आपको मदद मिलेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं पित्त दोष के लिए खाई जाने वाली 10 ऐसी बेहतरीन चीज़ें जो आपके पित्त को संतुलित रखेंगी। दोस्तों पहली चीज़ है नारियल। नारियल बहुत बेहतरीन चीज़ है पित्त दोष के लिए। पहली चीज़ तो नारियल जो है ये ठंडी प्रकृति का माना जाता है। दूसरा, इसको जब हम खाते हैं आहार के रूप में तो शरीर को पर्याप्त मात्रा में हेल्दी फैट इससे मिलता है, पोटेशियम इससे मिलता है और इलेक्ट्रोलाइट्स जो शरीर के लिए ज़रूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अक्सर गर्मी के समय में स्वेटिंग जब हम करते हैं, पसीना आता है, तो उससे बहुत सारी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और अगर हम नारियल का इंटेक करते हैं तो बॉडी को पर्याप्त मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलते हैं। अगर आप नारियल पानी भी पीते हो तो ये भी शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पित्त को शमन करने में इसका बहुत योगदान है। साथ ही आयुर्वेद के अनुसार अगर मैं बात करूं तो विरेचन का काम करता है, शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन करने का भी काम करता है नारियल। तो नारियल का उपयोग पित्त संबंधी जितने भी रोग होते हैं या पित्त संबंधी जिसकी भी प्रकृति है उन सभी लोगों को नारियल पानी और नारियल को खाना चाहिए, नारियल पानी का उपयोग करना चाहिए, यह पित्त के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों पित्त प्रकृति के लिए दूसरी चीज़ है हमारी तरबूज। तरबूज भी बहुत बेहतरीन तरीके से शरीर के ऊपर प्रतिक्रिया करता है और पित्त दोष के लिए बहुत अच्छा एक प्रकार की डाइट है, क्योंकि तरबूज के अंदर 90% वाटर पाया जाता है जो शरीर को कूलिंग करने का काम करता है, साथ ही शरीर को पर्याप्त मात्रा में पानी भी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स ये आपके लीवर के लिए, किडनी के फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, साथ ही बॉडी के अंदर एक्सेस कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर करता है और एक प्रकार से शरीर के लिए कूलिंग सिस्टम का काम करता है। तरबूज को आप दो तीन तरीके से खा सकते हो, डायरेक्ट आप तरबूज खा सकते हो, सैलड के रूप में खा सकते हो, या तरबूज का रस भी निकाल के जूस निकाल के भी पिया जा सकता है। उसके अंदर आप सेंधा नमक या काला नमक ऐड कर लें, ये आपके शरीर के अंदर वाटर की आपूर्ति करेगा और शरीर को ठंडा रखेगा और पित्त दोष के शमन के लिए ये बहुत अच्छा उपयोग है। दोस्तों पित्त दोष के लिए तीसरी चीज़ है खीरा, कुकुम्बर। इसका उपयोग भी पित्त को शमन के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और आयुर्वेद के अंदर खीरे को एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं सुशीलता। इसका अर्थ होता है प्राकृतिक रूप से ठंडा। आयुर्वेद के अनुसार ये एक ठंडा आहार है, इसको अगर उपयोग करते हैं तो ये शरीर को ठंडा करता है और ठंडक जो है और मीठा जो है वो पित्त दोष के शमन के लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले आपको नारियल बताया, तो नारियल अगर आप खाओगे तो पचने के बाद भी नारियल ठंडा और मीठा रहता है, ऐसे ही जो खीरा है ये पचने के बाद भी और पहले इसकी प्रकृति जो है वो ठंडक होती है, तो शरीर को ये ठंडक देगा और पित्त के शमन के लिए, पित्त के बढ़े हुए हिस्से को ये बॉडी से बाहर निकालने के लिए बहुत मदद करता है। साथ ही इसके अंदर पानी बहुत है तो ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। शरीर के अंदर लीवर है, आपकी किडनीज हैं, आपकी स्प्लीन है, इन हिस्सों के ऊपर विशेष प्रभाव डालता है, साथ ही आपकी इंटेस्टाइन के ऊपर बहुत अच्छा और बेहतरीन तरीके से काम करता है। ये वहाँ से मल निष्कासन की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। अगर शरीर के अंदर मल स्टोर हो आपकी स्पेशली आंतों के अंदर, तो शरीर के अंदर बॉडी हीट पैदा होने लगती है, स्पेशली आपको अपने डायफ्राम के अंदर, पेट के अंदर आपको हीट पैदा होगी, डायफ्राम के आसपास के एरिया में, स्टोमक में आपको हीट महसूस होगी, चेस्ट के ऊपर के हिस्से में और इंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर आपको हीट महसूस होगी, और यही हीट जब एब्जॉर्ब होने लगती है शरीर के अंदर तो पिट भी बढ़ता है इसकी वजह से। तो ये इसके अंदर क्योंकि फाइबर बहुत अच्छा है, पानी बहुत अच्छा है, तो ये पेट को साफ करने का भी बहुत अच्छे से काम करता है, पित्त का समान करता है, बॉडी कूलिंग का काम करता है। तो खीरे को भी उन सभी लोगों को उपयोग करना चाहिए जिनको पित्त संबंधी रोग रहते हैं। दोस्तों चौथा आहार है हमारा नींबू। लेमन जो है ये भी पित्त दोष के लिए अच्छा है, लेकिन इसको उपयोग सही ढंग से करना चाहिए। पहली चीज़ तो नींबू पानी बना के आप उपयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए उपयोग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा, आप सैलड के साथ में भी खा सकते हो, सैलड के ऊपर नींबू डाल के खा सकते हो या आहार में सम्मिलित कर सकते हो। नींबू को जब आप खाते हो तो ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है शरीर का, शरीर की स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पित्त के संतुलन के लिए बहुत अच्छा है, और साथ ही आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो लेमन जो है ये बॉडी को नेचुरली ठंडा करने का काम करता है।
तो नींबू का भी उपयोग करना चाहिए। पांचवी चीज है आपकी अंकुरित मूंग, ये बहुत अच्छी चीज है पित्त संबंधी रोगों के लिए। अंकुरित मूंग को आप सुबह के वक्त उपयोग करें तो ये सबसे अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि सुबह के वक्त इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ठंडक देने वाली होगी, साथ ही इजीली डाइजेस्ट होती है। अक्सर पित्त संबंधी जो रोग होते हैं उनके अंदर डाइजेशन फायर कमजोर पड़ जाती है, डाइजेशन कमजोर होता है। ऐसी स्थिति में आपको वो सुपाच्य आहार खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो और बॉडी को ठंडक प्रदान करता हो, तो इसके अंदर मूंग आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। आयुर्वेद में भी मूंग के विषय में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, लेकिन मूंग को बॉयल करके खाने या दाल बना के खाने से ज़्यादा इसको अंकुरित करके अगर आप खाओगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो पित्त दोष के लिए अगली बेहतरीन चीज़ है, छठी चीज़ है छाछ। छाछ का उपयोग पित्त दोष के रोगों को जरूर करना चाहिए, लेकिन छाछ के अंदर एक नियम है कि छाछ को कभी भी खट्टा नहीं खाना चाहिए। दूसरा, सूर्योदय के बाद ना खाएं और सूर्योदय से पहले ना खाएं। दिन के समय छाछ का उपयोग करें, ये पित्त के संतुलन के लिए बहुत अच्छी है। छाछ के अंदर आप जीरा डाल सकते हो, नमक डाल सकते हो, या फिर छाछ के अंदर आप धनिया पाउडर भी डाल के खा सकते हैं, या लवण भास्कर चूर्ण भी डाल के खा सकते हैं। इन किसी भी चीज़ का उपयोग छाछ के अंदर मिला के अगर आप करोगे तो ये पित्त के संतुलन का काम करेगी। इसके बाद सातवीं आपकी चीज़ होगी अलसी। अलसी के बीज जो हैं, वैसे तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अलसी गर्म होती है, लेकिन अलसी आयुर्वेद के अनुसार ठंडी प्रकृति की मानी जाती है, और अगर आप अलसी को भिगो देते हो तो ये और बेनिफिशियल होती है आपके लिए। तो एक स्पून आप अलसी भिगो दें, भिगने के बाद वो हल्का सा फूल जाएगी, उसके बाद उसको अच्छी प्रकार से चबा के फिर पेट में लेके जाएं, ये आपके ठंडक करने का काम करेगी, कब्ज की समस्या को ठीक करेगी। और छाछ जो मैंने बताई ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपकी पाचन प्रणाली के लिए अच्छी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए अच्छी है, मल निष्कासन की प्रक्रिया को आसान बनाती है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत बेहतरीन है, अलसी और आपका छाछ। इन दोनों चीज़ों का पित्त प्रकृति के लोगों को विशेष तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, पित्त प्रकृति वालों के लिए आठवीं चीज़ है घी। आयुर्वेद के अनुसार अगर घी की बात करें तो घी जो है, अगर नेचुरल गाय का घी उपयोग करते हो तो ये आपके शरीर को और दिमाग को दोनों को ठंडक देता है। लेकिन घी को खाने का ना तरीका होता है, घी को आप रोटी के ऊपर लगा के ना खाएं, घी को डायरेक्ट ना खाएं, घी को आप सब्जी में डाल के खा सकते हो, या फिर गर्म पानी के अंदर भी डाल के उपयोग किया जाता है मेडिकेटेड तरीके से, लेकिन आप सब्जी में डाल के खाओगे तो वो बेस्ट तरीका है, वो सही है घी को खाने का। दूसरा, घी को खाने के बाद आप कोई भी ठंडी चीज़ ना खाएं, जैसे आइसक्रीम खाना, ठंडा पानी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये गलत होगा। ठंडा पानी अगर उसके बाद पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, तो घी का नुकसान आपके शरीर को झेलना पड़ेगा। तीसरी चीज़, घी जो है वो भोजन के प्रारंभ में खाना चाहिए, ये आपकी डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाता है, साथ ही भोजन के पाचन को आसान बनाता है। तो घी को जब भी खाएं स्टार्टिंग में खाएं, घी खाने के बाद कभी भी उसके बाद ठंडा पानी पिए ना। पी और घी जो है ये आपके शरीर के अंदर पित्त को संतुलित करने का बहुत अच्छा काम करता है। घी को अगर रेगुलरली अगर आपको उपयोग करना हो तो एक स्पून घी आप गाय का अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो इसको उपयोग करें, वो बहुत तेज़ी के साथ में पित्त को संतुलित करने का काम करेगा। दोस्तों, नौवीं पित्त के लिए चीज़ है पुदीना। पुदीना बहुत अच्छी चीज़ है, पुदीने का आप उपयोग करें, ये ठंडक देता है शरीर को, पित्त को संतुलित करता है, पित्त का समन करता है। अब इसको किस किस तरीके से उपयोग कर सकते हैं, पुदीने की चटनियाँ बना के खा सकते हो, पुदीने को शरबत के रूप में उपयोग कर सकते हो, पुदीने को किसी भी फलों के जूस में मिला के आप उपयोग कर सकते हो। पुदीना जो है ये नेचुरली ही शरीर को ठंडा करता है, कूलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है हमारे, तो पुदीने का उपयोग आप कर सकते हो। हाँ, पुदीने को आयुर्वेद के अनुसार अगर बात करें तो पुदीना एक शोधन औषधि है, शोधन करता है शरीर का, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसको आसानी से समझें तो शरीर की सफाई करने का काम करता है। तो शरीर को ठंडा करता है ये, पित्त का समन करता है, शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बहुत अच्छी चीज़ है। पुदीने का आप उपयोग करें, पुदीना पानी बना के पिएं, पुदीने की चटनी आप खाएं, पुदीने का रस निकाल के किसी भी जूस के अंदर मिला दें तो उसके अंदर एक नया फ्लेवर आ जाता है, उसका उपयोग करें आप। दोस्तों, अंत में दसवीं चीज़ मैं बता रहा हूँ, नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ जो हैं ये भी पित्त दोष के समन के लिए बहुत अच्छी हैं। आयुर्वेद के अनुसार पित्त दोष को अगर शांत करना है तो आपको अपनी डाइट में कसैली चीज़ों को भी ऐड करना चाहिए। कसैला जो रस है ये पित्त का समन करता है, और नीम की पत्तियां जो होती हैं ये नेचुरली ही कसैली होती हैं, तो कुछ नीम की पत्तियां आप चबा के खा सकते हो, ऊपर से एक घूंट पानी पी लें तो ये आपके पित्त को समन करेंगी। दूसरा, ये बॉडी के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, टॉक्सिन्स जो होते हैं, उनको बहुत तेज़ी के साथ खत्म करती है, साथ ही स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेनकियाज के लिए बहुत अच्छा है, आपकी लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो इसका उपयोग करें। अगर आपके शरीर में कील मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं, पित्त प्रकृति वालों को अक्सर ये चीज़ देखी गई है, तो उन लोगों के लिए भी ये बहुत
अच्छी है, साथ ही पित्त का समन तो ये करेगी ही। तो ये 10 चीज़ें जितनी मैंने बताई दोस्तों, इन 10ों की चीज़ों को आप अलग अलग तरीके से अलग अलग समय के ऊपर उपयोग कर सकते हो। गर्मी के समय के ऊपर स्पेशली ये चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी और इनका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में यही था, ये 10 चीज़ें पित्त प्रकृति के लिए थी, पित्त का समन करने के लिए थी, पित्त के संतुलन के लिए इन चीज़ों को खाया जा सकता है। आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय हिंद।